नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा राज्य की बौना पेंशन योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। देश के आर्थिक रूप से गरीब नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन योजना का संचालन किया जाता है। पेंशन योजना का लाभ वृद्ध जन, विकलांग जन, निराश्रित, विधवा एवं अनाथ, बेसहारा आदि श्रेणियों में गरीबी रेखा से नीचे के नागरिकों को विभाजित करके प्रदान किया जाता है। हरियाणा राज्य में बौनों को शारीरिक रूप से असमर्थ मानते हुए 60% दिव्यांगों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा बौनों के सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रति माह गुजारा भत्ता प्रदान करने के उद्देश्य से बौना पेंशन योजना का संचालन किया गया है। प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2018 में बौनों को प्रति माह ₹2000 पेंशन के रूप में वितरित करना निर्धारित किया गया है। पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए पुरुषों की लंबाई 3 फीट 8 इंच से कम होनी चाहिए और महिलाओं की लंबाई 3 फीट 3 इंच या इससे कम होनी चाहिए। आइए जानें इस योजना की आवेदन के लिए पात्रता क्या होगी। हरियाणा बौना पेंशन योजना में आवेदन के लिए पात्रता, बौना श्रेणी के पात्र पुरुष की लंबाई 3 फीट 8 इंच एवं महिला की लंबाई 3 फीट 3 इंच या इससे कम होनी चाहिए। बौने नागरिक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा और इसके अतिरिक्त योजना में आवेदन से पूर्व बौने व्यक्ति को न्यूनतम 1 वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में निवास करना आवश्यक होगा। आवेदक की स्वयं अथवा परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदक के नाम से हरियाणा राज्य में बैंक खाता होना आवश्यक होगा। आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार या निजी वित्तीय संस्था से किसी प्रकार के पेंशन का लाभ प्राप्त न कर रहा हो तभी आवेदन कर सकता है। हरियाणा बौना पेंशन योजना के आवेदन के लिए दस्तावेज क्या होने चाहिए। आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी अर्थात सिविल सर्जन से बौना होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक अकाउंट के पहले पेज की फोटोकॉपी जहां आवेदक के निवास का एड्रेस लिखा हो, अकाउंट नंबर लिखा हो, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड होना आवश्यक होगा। आवेदक की वर्तमान की पासपोर्ट रंगीन साइज फोटो होनी चाहिए और आवेदक के जाति का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हरियाणा ड्राफ्ट योजना में आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए जानते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको हरियाणा सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए हम गूगल वेब ब्राउजर खोलेंगे, उसमें यहाँ लिखेंगे हरियाणा गवर्नमेंट सोशल जस्टिस government.in। ये लिखकर दोस्तों हम सर्च पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट का लिंक खुल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट खुलेगी हरियाणा गवर्नमेंट के सोशल जस्टिस विभाग की। इसमें आपको पेंशन पोर्टल विकल्प पर क्लिक करना होगा। पेंशन पोर्टल विकल्प पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करने के बाद हरियाणा राज्य के सभी
विभागों के में आवेदन के आवेश के लिए फॉर्म के लिंक खुलकर आ जाएंगे। इस यहाँ से आपको हरियाणा डॉर्फ एलायंस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस पे क्लिक करना होगा, तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी, जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना होगा। ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी इस प्रकार की। फॉर्म डाउनलोड हो रही है और इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना होगा। फिर आवेदन फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी एवं रंगीन फोटो संलग्न करना होगा। इसके बाद अपने जिले के सामाजिक कल्याण विभाग अर्थात DSWO के कार्यालय में फॉर्म को जमा करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म की रेफरेंस आईडी दी जाएगी, जिसे आपको अपने पास रखना होगा संभाल कर, जिसके प्रयोग से आप कार्यालय में योजना के आवेदन की स्थिति का पता कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे YouTube चैनल को देखने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी जो हम लाएं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।